हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो देखिए, लास्ट वीडियो हमने 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। राजस्थान जीके की बुक हम लोग कर रहे हैं, जो आपके सभी कंपटीशन एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जो है वह उठते ही हैं। ठीक है, राजस्थान जीके की बुक जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है। तो चलिए, लास्ट चैप्टर में से ही एक जो है मैं आप लोगों से सवाल पूछती हूँ, और वो क्वेश्चन जो है क्या है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय उदयपुर रियासत में उस समय जो शासक थे वो कौन थे। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में सभी देंगे, और एक झटके में ही आंसर जो है वो आप लोगों ने अपने दिमाग में सोच भी लिया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से हमने उसको पढ़ा था। लास्ट में मैंने चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो है वह भी करवाए थे, तो हर चीज़ आपके सामने क्लियर थी। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, राजस्थान के क्रांतिकारी। तो देखिए, इस चैप्टर में पहले 2 पेज जो हैं वो कि कविताओं से संबंधित हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में वहाँ से कुछ भी नहीं पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको देखते हैं, और उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट जो हैं पेज इसमें हैं चैप्टर नंबर 2 में। तो दिल्ली की बादशाहत के विघटित होने के बाद जो है अंग्रेजों को यहाँ राजस्थान में पांव पसारने का अवसर मिला। राजस्थान में सामंतवाद के सबसे क्रूर और घृणित रूप जो है वो अंग्रेजों के शासन काल की ही देन है, परंतु इस काल के आरंभ होने के साथ ही उस शासन का विरोध भी आरंभ हो गया था। किस शासन का? अंग्रेजों ने यहाँ पर जो अपना शासन जमाया था, तो 1857 की क्रांति में हमने देखा कि राजस्थान में जो क्रांति होती है तो उसे वहाँ दबा दिया जाता है, लेकिन शासन का जो विरोध है वह अब स्टार्ट हो चुका था। तो कई कविताओं में कवियों ने, लेखकों ने जो है अपने लेखन में अंग्रेजों का विरोध जो है वह जमकर किया। इस दौर की अनेक साम्राज्य विरोधी कविताओं का संबंध भरतपुर से है। मराठा सरदार होलकर ने जो है भरतपुर में यहाँ शरण ली, और भरतपुर के राजा कौन थे उस वक्त? रणजीत सिंह। इन्होंने अंग्रेजों से संधि कर ली थी, लेकिन होलकर को अंग्रेजों के हवाले करने से इनकार कर दिया। अंग्रेज जो है वो यहाँ पर नाराज हो गए और उन्होंने भरतपुर पर हमला कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर कविता जो हैं, जो कि कवि राजा बांकी दास जी जो हैं लिखते हैं, जो कि भरतपुर से संबंधित लिखते हैं कि किस तरीके से भरतपुर पर अंग्रेज जो है वह हमला करते हैं। तो बांकी दास जो थे वो कौन थे, ये एग्जाम में आपके आ सकता है। जोधपुर नरेश मान सिंह के राजकवि थे और उनके काव्य गुरु थे। ठीक है, और उनकी ग्रंथावली नागरी प्रचारणी सभा इसे 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। तो इनकी लिखी तथा संकलित राजस्थानी में 2700 ऐतिहासिक बातें भी हैं। विभिन्न भाषाओं की जानकारी तो इनको थी, इसके साथ साथ इतिहास का भी इन्हें अच्छा ज्ञान था, और इनका निधन 1833 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो ये इनकी कविताएं हैं, जिनको हम नहीं भी पढ़ेंगे तो भी कोई बात नहीं। तो यहाँ पर कविताओं में जो है लिखा है कि जो है विदेशों से, विलायत से जो है वो अंग्रेज आते हैं यहाँ, कलकत्ता, कानपुर, बम्बई, मद्रास तक जो है वो अधिकार करते चले जाते हैं, और धीरे धीरे जो है यहाँ राजस्थान पर भी यहाँ अधिकार भी करते हैं। ये सब नगर जिस देश में है उसका नाम क्या है? भरतखंड है। और अंग्रेजों ने जो ये फौज बटोरी थी तो वो इसी देश के विभिन्न प्रदेशों के लोगों से बनी थी। तो ये कविता का जो है अर्थ समझाया गया है। ये देखिए, ये कौन है? कवि राजा बांकी दास। ठीक है, तो इनकी जो कविता, जिसमें इन्होंने अच्छे से बताया है कि जो इनकी कविता है उसमें उल्लास का स्वर है। अंग्रेज जो आक्रमणकारी जो थे वो विजय नहीं हुए थे, तो ये लोगों को इस चीज के बारे में बताते हैं कि अंग्रेज जो हैं इनको अब भी जो है वो बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ से पढ़ेंगे जो कि आपके समझने का है। जोधपुर, उदयपुर, जयपुर आदि ने अपने गौरव का नाश कर दिया। अब देखिए, यहाँ के जो शासक थे जो कि कमजोर साबित हुए, और जिस वजह से उन लोगों ने अंग्रेजों से संधियाँ कर ली थी, तो इस तरीके से उनके गौरव का जो है नाश कर दिया। देश को गुलाम होना था और वह हो गया। जब आजाद होना होगा तब हो जाएगा, तुम्हारे लिए अब कुछ नहीं होने का। सच्ची बात को मैंने सच्चाई के तरीके से प्रकट कर दिया। अंग्रेजों से संधि करके गद्दी बचाए रखने वाले सामंत वास्तव में स्वाधीन नहीं है, यह तथ्य कवि बांकी दास के सामने स्पष्ट है। आगे स्थिति बदलेगी और यह आशा भी उन्हें है।
तो बांकी दास जो हैं वो अपनी कविताओं के माध्यम से जो हैं वह लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है देश पर ये जो अंग्रेज शासन करने के लिए आए हैं ये नहीं करते यदि सभी एकजुट हो जाते। सन 1857 ईस्वी से पहले ब्रिटिश फौज के कुछ सैनिकों ने राजस्थान में विद्रोह किया था। इस प्रसंग में डूंग जी और जवाहर जी प्रसिद्ध हुए और उन पर लोकगीत रचे गए। तो अब हमें डूंग जी और जवाहर जी के बारे में जो है वह पढ़ना होगा, ठीक है? ये बहुत 1857 की क्रांति में जो है बहुत ही वीर जो है साबित होते हैं। राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम काव्य में दिए हुए विवरण के अनुसार 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने संधि की, शेखावटी क्षेत्र के लोगों ने इसका विरोध किया। अब तक जो भी हमने पढ़ा वो सब सभी चीजों से हम परिचित हैं क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में ये चीजें देख ली। विरोध के दमन के लिए अंग्रेजों ने शेखावटी ब्रिगेड संगठित किया। 1834 ईस्वी में डूंगजी के नेतृत्व में इस ब्रिगेड के कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, ठीक है? और 1838 में डूंगजी को जो है अंग्रेजों ने पकड़ लिया और उन्हें किस किले में कैद कर दिया? आगरा के किले में। अब देखिए इतनी जो गहराई वाली बात जो है जो कि आपके एग्जाम में आती है, क्या कि 1838 में जब डूंगजी को अंग्रेजों ने पकड़ लिया था तो किस किले में, कहाँ के किले में कैद किया था? तो आगरा के किले में। ऑप्शन आपके एग्जाम में आगरा का किला, ग्वालियर का किला, ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा, तो आप ध्यान में रखें। जवाहर जी ने अपने सहयोगियों को लेकर किले पर हमला किया और डूंगजी को छुड़वा लिया। वहां से निकलकर इन्होंने नसीराबाद की छावनी पर हमला किया और अंग्रेजों का खजाना लूट लिया। तो ये सब बातें जो है 1857 की क्रांति से पहले की हैं। इससे उनके साहस और शौर्य की गाथा जो है वो सर्वत्र फैल गई। अनेक समकालीन कवियों ने उन पर कविताएं लिखी। लोक में उनसे संबंधित गाथा जो छावनी के नाम से प्रसिद्ध हुई और गाई जाने लगी। तो जो है हम लोग देखते हैं कि डूंग जी और जवाहर जी जिन पर जो है कई लोकगीत जो है वो रचे गए हैं। अंग्रेजों के विरुद्ध वीरतापूर्ण कार्यों से प्रेरित होकर जो लोक कविता रची गई वो इस तरह राजस्थान की जनता के नव जागरण का माध्यम बनी। तो इन कविताओं के माध्यम से राजस्थान की जनता को प्रेरित किया गया। तो महाकवि जो है सूर्यमल मिश्रण, देखिए इनका चित्र जो है, तो इन्होंने भी 1857 की क्रांति के समय जो है अपनी कविताओं में इसे भरपूर जो है इनका योगदान रहा अपनी कविताओं में लिखने का। हिंदुस्तान में अब कुछ परिवर्तन हो, अब कुछ उथल पुथल हो, इसी आशा आकांक्षा में संवत 1914 का एक वर्ष तो मानो युग के समान लंबा होकर आखिर बीत गया। पर नए साल के आरंभ होते ही जेठ बदी पांचम व गुरुवार के दिन 1857 के समय रूपी विषधर नाग ने अंग्रेजों की देह में अपने जहरीले दांत गड़ाकर एकदम पलटा खाया। जेठ में ना तो संवत 1914 ईस्वी समाप्त हो सकता है और ना 1857 ईस्वी का आरंभ हो सकता है। संभवत जेठ बदी पंचमी वह दिन है जब युद्ध आरंभ हुआ और काल सर्प ने अंग्रेजों को डसकर उस दिन पलटा खाया। स्वाधीनता संग्राम शुरू होते ही किसी कवि की यह भावात्मक प्रतिक्रिया इतिहास में अभूतपूर्व है। इसके बाद सूर्यमल जनता को संघर्ष के लिए प्रेरणा देते हुए और भी दोहे लिखते रहे। तो ये सूर्यमल मिश्रण जो है अपनी कविताओं में ये चीजें लिखते हैं। अब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये चीज़ बता दी थी कि पहले दो पेज जो हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी यहाँ से इतना ज़्यादा जो है नहीं पूछा जाएगा। आपसे ये पूछा जा सकता है कि 1838 में जो है आगरा के किले में कैद कर लिया गया था किसको? डूंग जी को या जवाहर जी को, ठीक है? तब आप याद रखेंगे डूंग जी को वहाँ पर कैद कर लिया था। दूसरा जो एक पॉइंट मैंने आपको बताया कि जो कवि राजा बांकी दास जो थे तो किसके वो राजकवि थे? तो जोधपुर नरेश जो मान सिंह थे उनके राजकवि थे, ठीक है? तो अभी तक हमने इम्पोर्टेंट दो लाइनें ही देखी। सूर्यमल की उत्कृष्ट कृति वीर सतसई इम्पोर्टेंट है। संपादकों ने उसकी भूमिका में कवि पर सन 57 के संग्राम का प्रभाव स्वीकार करते हुए लिखा। जिस तरह सतसई का निर्माण हुआ उस समय देश में 1857 ईस्वी के विद्रोह की ज्वाला जो है वो भड़क रही थी। सारा देश विदेशी सत्ता का तख्ता पलटने के लिए व्यग्र हो उठा। गदरकालीन परिस्थिति का कवि पर बड़ा स्फूर्तिदायक प्रभाव पड़ा। लोगों को प्रेरणा देने के लिए जो कुछ उन्होंने लिखा पढ़ी की वह सब तात्कालिक परिस्थितियों के दबाव के कारण पोशीदा रूप में हुई। सूर्यमल
मिश्रण स्वाधीनता संग्राम से प्रभावित होने वाले साहित्यकार के अलावा उसके राजनीतिक संगठनकर्ता भी थे। सन 57 में बड़े सामंतों ने आम तौर से अंग्रेजों का साथ दिया, छोटे सामंतों ने जनता का साथ दिया। देसी पलटनों के विद्रोही सैनिकों ने इन सामंतों के साथ लेकर अंग्रेजों से युद्ध किया। यह विशेषता आउवा के युद्ध में हमें साफ दिखाई देती है। आउवा के संघर्ष में रचे जाते हैं, यह स्वाभाविक था। एक गीत यूं शुरू होता है, तो ये गीत जो है वह है आउवा की धरती पर फिरंगी आधमका है, उसको बाहर खदेड़ने के लिए गांव की गोचर में काले सिपाही डटे हुए हैं। तो ये जो कविता है तो इसको अर्थ के रूप में बताया गया है, फिरंगी का पक्ष लेकर उसके साथ हमारा राजा भी चढ़ गया और गोरी देवाला यानी अंग्रेज यह फिरंगी निरंतर फैलाव करता जा रहा है। ऐसे ही एक कवि जो है वो गिरवरदान थे, इन्होंने आउवा के युद्ध पर 3 छप्पे लिखे, ठीक है। तो ये उनकी जो पंक्ति है, बढ़ती 14 बरस पड़े इलबेत अपाए, यहाँ सन 1857 ईस्वी में धरती पर जो उथल पुथल हुई उसकी ओर संकेत है। अंतिम पंक्ति है आजाद हिंद करवा उमंग निडर आउवा नाथरे। तो यहाँ कवि ने बड़ी सूझबूझ से आउवा के स्थानीय संघर्ष को सारे भारत की आजादी की लड़ाई से जोड़ा है। बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा, इसके साथ ही सशस्त्र क्रांति के प्रयास आरंभ हुए और ये प्रयास जो है राजस्थान में भी हुए। इनकी विशेषता ये है कि आरंभ से ही समाज सुधार और शिक्षा प्रसार से जुड़े रहे। क्रमशः उन्होंने किसानों को आधार बनाकर जन आंदोलन का रूप लिया। यद्यपि उनका क्षेत्र सीमित था, फिर भी उन्होंने देश के सामने मिसाल रखी। उसके बाद देखिए डूंग जी जवाहर जी कहाँ के, सीकर के। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में सीकर क्षेत्र के काका भतीजा डूंग जी और जवाहर जी प्रसिद्ध देशभक्त हुए। डूंग जी शेखावटी ब्रिगेड में रिसालेदार थे, बाद में वे नौकरी रिसलदार, ठीक है, बाद में वे नौकरी छोड़कर धनी लोगों से देश की आजादी के लिए धन मांगने लगे और धन नहीं मिलने पर उनके यहाँ डाका डालने लगे। तो ये नौकरी जो है छोड़ देते हैं और जो धनी लोग थे उनसे देश की आज़ादी के लिए धन मांगने लगे। जब उन्हें धन नहीं मिला तो उन्होंने डाका डालना स्टार्ट कर दिया। इस धन से वे जो गरीब लोग थे उनकी सहायता करते। इन दोनों ने अपने साथियों की सहायता से कई बार अंग्रेज छावनियों को भी लूटा। डूंग जी के साले भैरू सिंह ने डूंग जी को भोजन पर अपने यहाँ बुलाया और वहाँ अत्यधिक शराब पिलाकर जो है उन्हें पकड़वा दिया। तो अंग्रेजों ने उन्हें आगरा के दुर्ग में बंद कर दिया था। डूंग जी की पत्नी की फटकार से जवाहर जी ने उन्हें छुड़वाने की प्रतिज्ञा की और वो वहाँ से उन्हें छुड़वा लाए। कहा जाता है कि लोटिया जाट और करना मीणा अपनी वीरता और बुद्धिमता से डूंग जी को छुड़वा कर लाए थे। तो किसकी सहायता से, लोटिया जाट और करना मीणा, इन दोनों की सहायता से डूंग जी को आगरा के दुर्ग में से छुड़ा लिया गया था, ठीक है। ये देखिए चाचा और भतीजे डूंग जी और जवाहर जी। बीकानेर के पास घणसीसर में अंग्रेजी फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौजों के साथ मिलकर डूंग जी और जवाहर जी को घेर लिया। तो जवाहर जी तो भागकर बीकानेर रियासत के खेरखट्टा नामक पर स्थान पर पहुंच गए, जहां महाराज रतन सिंह ने उन्हें प्रेम पूर्वक रखा। डूंग जी जैसलमेर में गिरदड़ा की काकी मेड़ी पहुंच गए, जहां जोधपुर की सेना ने उन्हें छल पूर्वक कैद करके अंग्रेजी सेना को सौंप दिया। तो जोधपुर जो है उसकी सेना ने डूंग जी को पकड़वाया था और उन्हें अंग्रेजों को सौंपा। इससे लोगों में असंतोष की ज्वाला भड़क उठी। अंग्रेजों ने डूंग जी को वापस जोधपुर राज्य की सेना को सौंप दिया और जोधपुर के दुर्ग में ही डूंग जी का निधन हो गया था, ठीक है। तो इस तरीके से डूंग जी और जवाहर जी इन दोनों ने ही बहुत ही वीरता से अपने देश के लिए यहाँ पर लड़ाई की थी और उसके लिए इन्होंने क्या अपनाया, पहले तरीका इन्होंने जो धनी लोग थे उनको लूटा, ठीक है। पहले तो उनसे मांगा कि जो धन है देश की आज़ादी के लिए हमें चाहिए, लेकिन जब उन्हें नहीं मिला तो उन्होंने डांका डालना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जोधपुर की जो सेना है उसने डूंग जी को जो है अंग्रेजों को पकड़वा दिया था और बाद में अंग्रेजों ने जोधपुर की सेना को जो है
डूंगजी को वापस कर दिया और जोधपुर के किले में उन्हें बंद कर दिया गया, और उसी दुर्ग में, जोधपुर के दुर्ग में ही उनका निधन हो गया। लोठू जी निठारवाल कहाँ के, सीकर के। 1804 में इनका जन्म होता है, 1855 में इनकी मृत्यु होती है। तो ये जाट परिवार के थे। 1804 में रींगस में इनका जन्म हुआ था। जहाँ से वह है वहाँ के ठाकुर से अनबन होने के कारण अपनी बहन के पास बठोड़ में आ गए। यहाँ उनका संपर्क जो है वो डूंग जी और जवाहर जी, इन दोनों चाचा भतीजे से हुआ। तो डूंग जी, जवाहर जी और लोठू जी निठारवाल ये कहाँ के, सीकर के थे। ठीक है। जब डूंग जी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके आगरा की जेल में बंद कर दिया था, तो लोठू, बालू नाई, साखू लोहार, करना मीना आदि ने मिलकर डूंग जी को आगरा से रिहा करवाने की योजना बनाई। अंग्रेजों को चकमा देने के लिए अपने साथियों के साथ एक बारात के रूप में आगरा पहुंचे और अदम्य साहस का परिचय देते हुए डूंग जी को रिहा करवा लाए। इसके बाद लोठू जी, डूंग जी, जवाहर जी के साथ अंग्रेज विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते रहे और 1855 ईस्वी में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पर जब डूंग जी आगरा के जेल में जो है बंद थे, तो लोठू जी निठारवाल, जवाहर सिंह और इसके अलावा जो है साखू लोहार, करना मीणा, लोटिया जाट, ठीक है, इन सभी ने मिलकर जो है डूंग जी को आगरा की जेल से रिहा करवाया था। नेक्स्ट देखिए, अमरचंद बाठिया कहाँ के, बीकानेर के। 1793 से 1858 तक ये रहते हैं। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी का। राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया, तो ये राजस्थान के पहले व्यक्ति थे जिनको फांसी पर लटकाया गया था। वह राजस्थान निवासी अमरचंद बांटिया थे जो ग्वालियर में अपना व्यापार चलाते थे। तो ये एक व्यापारी थे। इन्होंने अपनी पूरी धन संपत्ति जो है वो तात्या टोपे को देने का प्रस्ताव किया, जिससे वह आज़ादी की लड़ाई को चालू रख सकें। तो आज़ादी की लड़ाई के लिए पैसों की इन्हें काफ़ी ज़रूरत थी। दर दर ये लोग भटकते थे, तो जो भी सामान था उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं। ठीक है। तो धनी लोगों से इन्होंने मांगा था, लेकिन जो भी क्रांतिकारी थे उन्होंने मांगा, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। तो इसी वजह से उन्होंने लूटपाट जो है वह प्रारंभ कर दिया था। तो जहाँ पर अमरचंद बाठिया, इन्होंने भी जो है देश के जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, और ये एक व्यापारी थे, इनके पास धन की कमी नहीं थी, तो इन्होंने 1857 की क्रांति में जो है बहुत बड़ा योगदान किया। अपना धन सम्पदा जो है वह यहाँ पर दिया। ठीक है। तात्या टोपे को देने का प्रस्ताव किया ताकि ये जो क्रांति है इसे रोके नहीं, इसे चालू रखें। यही कुर्बानी बाद में इनकी फांसी का कारण बनती है। तो आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे विजय सिंह पथिक जो कहाँ के थे, बिजोलिया के, और बिजोलिया किसान आंदोलन जो है जिसमें विजय सिंह पथिक का बहुत नाम आता है। कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न उठते हैं। इनके उपनाम जो कि भूप सिंह के नाम से ये जाने जाते हैं, यूपी के थे, और ये राजस्थान कैसे पहुँचते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये पढ़ेंगे। थैंक यू।